और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद आज काशी में धर्म परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग मठों के मठाधीश, संत, महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार शामिल हुए। इस दौरान संतों ने एक सुर में आदि विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति का प्रस्ताव रखा। तो परिषद ने इस प्रस्ताव को पास किया है, अब इसकी एक कॉपी भारत सरकार को भेजी गई और सरकार से इसमें मदद करने की गुहार लगाई गई है। परिषद में कुल 22 सूत्री मांगों पर सहमति बनी, साथ ही शिवलिंग से छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। तो वाराणसी में आज धर्म परिषद का आयोजन हुआ है और आप देखिए यहाँ पर संत जन धर्म परिषद में यहाँ पर शामिल हुए, इतिहासकार भी मौजूद थे। तो आज इस धर्म परिषद में क्या निर्णय हुआ? धर्म परिषद में जो विश्वनाथ जी के बारे में है और जितने मंदिर है भारत में जो तोड़ दिए गए हैं मुगलों द्वारा, उस सब को जो है वापस चाहिए हमको। अब विश्वनाथ जी में वो लोग नमाज पढ़ने न जाए, हम लोग जो है उसका दर्शन पूजा का अधिकार मिले हम लोगों को। स्वामी जी, आप इस अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, क्या निर्णय? देखिए, हम लोगों ने 22 पॉइंट को पारित किया गया है और ऐसी स्थिति में उसमें जैसे कि पहला तो ये है कि हमको पूजा अर्चन करने का आदेश दिया जाए, नमाज वहाँ तत्काल पढ़ना बंद कर दिया जाए, क्योंकि साक्ष मिल चुके हैं। चाहे वो वेद शास्त्र की बात कर लो, शास्त्रों की बात कर लो, चाहे वो इतिहासकारों की बात कर लो और चाहे सर्वे की रिपोर्ट से, हर स्तर से हमारे जो है मिल चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि अर्चन पूजन करना चाहिए। स्वामी जी, आप भी इस बैठक में मौजूद थे, तो आपने क्या बातचीत की और इस बैठक का अगर पूरा निचोड़ कहें, अगर इस बैठक का निर्णय कहें, वो 22 सूत्रीय मांगे, उसके अलावा क्या मांग? उसके अलावा है कि भगवान विश्वनाथ का जो है मंदिर भव्य बने, हम सभी सनातन परंपराओं का जो है सम्मान हो, ये कोर्ट से हमारी जो है मांग है, हाई कोर्ट से जो है। कहाँ से आए हैं? मैं भी काशी से। काशी से। तो जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, आपकी क्या मांग? मामला चल रहा है, हिंदुओं की चीज है, सब साबुत मिल रहा है, हमारा चीज है, हमको आपस होना मिलना चाहिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि काशी धर्म परिषद में जो प्रस्ताव पास हुए उसकी बड़ी बातें क्या है। तो प्रस्ताव जो पास किया गया उसमें ये कहा गया कि मुसलमान सनातन धर्म के पवित्र स्थानों पर अपना दावा छोड़ दें, ज्ञानवापी मंदिर में तत्काल पूजा दर्शन करने का अधिकार मिले, मक्का वेटिकन सिटी की तरह ज्ञानवापी में दूसरे धर्म के लोग ना आए। 1991 में लागू कानून को रद्द किया जाए, ज्ञानवापी के ऊपरी तल पर नमाज पढ़ने पर रोक लगे, ज्ञानवापी मंदिर के निचले हिस्से को पूजा पाठ के लिए खोल दे, इसके अलावा नंदी जी महाराज की विशेष पूजा और दर्शन का प्रावधान हो, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान बंद हो, ये तमाम बातें धर्म परिषद में पास प्रस्ताव में लिखी गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ वाराणसी से नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, ये जो तमाम मांगे की गई हैं, इस प्रस्ताव को कहां कहां भेजा गया है, किस किस के पास भेजा गया है, क्योंकि परिषद कोई भी हो उनके प्रस्ताव पास करने से कुछ होना नहीं है। अवधेश जी, जो आज धर्म परिषद की बैठक हुई इसमें अयोध्या और काशी के संत मौजूद थे, इसके साथ इतिहासकार मौजूद थे, अधिवक्ता भी मौजूद थे। ये जो लोग थे इन्होंने अपने अपने मत दिए, 22 सूत्रीय मांगों पर पूरी तरह से सहमति बनी और इस सहमति का पत्र यहाँ की केंद्र सरकार को, इसके साथ यूपी सरकार को और जो भी प्रतिष्ठित जो संत समाज है उनको भेजा गया, समाज के अलग अलग वर्गों को भेजा गया और इसके साथ ही अधिवक्ता जनों ने इसके कहा कि मद में अब आगे कोर्ट की भी शरण में जाएंगे, ऐसी भी बातें कही गई। तो आज का दिन धर्म परिषद के लिहाज से खास तौर से महत्वपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण इसलिए कि तमाम तरह की जो बातें हो रही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में कोई जो गैर मुस्लिम है वो नहीं पहुंचे, तो इसकी भी चर्चा हुई। इसके साथ ही आज धर्म परिषद में एक मुद्दा प्रमुख तौर पर उठा, वहाँ ये कहा गया कि अगर ये जो पत्थर जैसी चीज़ है इसे वो शिवलिंग नहीं मान रहे हैं तो फव्वारा भी नहीं मान रहे हैं। तो कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि वो फव्वारा है, कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि वो शिवलिंग है। तो ऐसी स्थिति में जो धर्म परिषद है उसका ये कहना था, जो लोग आए थे उसमें, कि नमाज पर भी तत्काल रोक लगाने की अपील करेंगे ये लोग। अब देखना ये है कि इन्होंने जो लेटर भेजा है उस पर सरकार और प्रशासन कितना विचार करता है। अब एक जिक्र और कर दूँ, आज का दिन महत्वपूर्ण एक लिहाज से और है।
शंकराचार्य की जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में एंट्री होती है, शंकराचार्य की एंट्री के बाद उनके प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि 4 जून को ज्ञानवापी जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अब आज उनके घर पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है और बिल्कुल बिल्कुल ये मामला इतनी जल्दी ठंडे होने वालों में से नहीं है और लगातार अब देखना होगा कि जब तक कोर्ट की सुनवाई होगी यानी कि 4 जुलाई और 8 जुलाई तब तक क्या कुछ इस मामले में देखने को मिलता है। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मोहन भागवत के बयान का स्वामी चक्रपाणी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में मोहन भागवत और संघ का कोई योगदान नहीं रहा, मोहन भागवत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी कहा कि भागवत जी ने जो बयान दिया है उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है उनके पार्टी वर्कर्स की है, भारत की जनता की नहीं। शिवलिंग भी मिल गया ज्ञानवापी में, तो इस पे इस तरह की बयान देना कहीं ना कहीं बहुत ही अपरिपक्व बयान इनका है। हमें लगता है कि मोहन भागवत जी को ये बयान तत्काल वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए देश से। यह उन हिंदूवादी जो सनातन धर्मी हैं, जो अपने पुरातन जो मंदिर हैं जिस पे मुग़लों ने कब्ज़ा किया उस पे कहीं ना कहीं उनके हौसला को तोड़ने वाला है, कहीं ना कहीं उनके जो हतोत्साहित करने वाला ये बयान है जो भी काशी विश्वनाथ जी के या जो है कृष्ण जन्मभूमि पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए था उनको। जी का जो स्टेटमेंट है वो उनने अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए दिया है, और क्योंकि ये जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो इनके पार्टी वर्कर्स की है, हम भारत की जनता की नहीं है। भारत की जनता सब कुछ अच्छे से समझती है और जानती है, वो अपने पार्टी की वर्कर्स को समझाएं कि आज देश में की अखंडता और एकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बार बार देश को डाइवर्ट करना दूसरे इश्यूज़ पे देश के लिए हानिकारक है। आज फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट, SC ST OBC का उत्थान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कीप रेकिंग अप न्यू कंट्रोवर्सी जिससे लोग डाइवर्टेड हैं। वही ताजमहल विवाद पर हिंदू संत मत्स्येंद्र गोस्वामी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मुगल शासकों के वंशजों को सरकार आतंकवादी घोषित करे। उन्होंने कहा कि इनके पूर्वजों ने लूटने का प्रयास किया, हमारे मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया था, इनके पूर्वजों की सजा इन्हें मिलनी चाहिए, इनके वंशजों को मुआवजा देने की बजाय भारत सरकार आतंकवादी घोषित करे, देश से निकालकर इन्हें अफगानिस्तान पाकिस्तान भेजा जाए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मुगल वंशज प्रिंस तुसी ने थाना ताजगंज में मत्स्येंद्र गोस्वामी के खिलाफ तहरीर दी थी। अब मत्स्येंद्र गोस्वामी ने तीखा पलटवार कर दिया है। और योगी सरकार ने यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने का जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में हुई जिसमें पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वर्णिम इतिहास रचा गया। सेरेमनी में 80,000 करोड़ की निवेश को मंजूरी मिली। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन डेवलप होगा तो उसके साथ जो बिहार का लखनऊ और हिस्सा है उसको भी काफी फायदा होगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया होगा और साथ ही साथ आप यूपी को मिली करोड़ों की सौगात। उत्तर प्रदेश आपके लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़े इंडस्ट्रीज के अलावा जिनके साथ उनका फोटो ऑफ भी होगा, जो मझोले और मध्यम दर्जे के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 जून की तारीख स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई, क्योंकि लखनऊ में आयोजित हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 80,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली। लखनऊ सुबह से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहा था जब पीएम मोदी का प्लेन लखनऊ पहुंचा, जहां पीएम का भव्य स्वागत किया गया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.2 का आगाज पीएम मोदी ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 80,000 करोड़ के निवेश का जो समझौता हुआ है वो रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। साथियों, यूपी में
80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है और पिछले 5 साल में 65,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव जमीन पर उतर चुका है। प्रदेश के अंदर निवेश प्रस्तावों को भी सफलतापूर्वक लागू करने के जिस अभियान को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान लगभग 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिन्हें हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 कार्यक्रम में देश के जाने माने उद्योगपतियों ने शिरकत की, जिसमें गौतम अडानी से लेकर कुमार मंगलम बिरला शामिल रहे और यूपी में निवेश की संभावनाओं को तलाशते हुए अपना खजाना खोल दिया, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कहा जा रहा है। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के अंतर्गत 80,224 करोड़ रुपए की लागत की 14 रिपोर्ट एबीपी गंगा किया जाएगा। जीबीसी 3.0 के तहत निवेश डेटा सेंटर। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के समापन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि यूपी तेज गति से नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। केशव जी, तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, लगातार सरकार ने यही कोशिश की कैसे यूपी को इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 बनाया जाए और अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 की ओर अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चला है और इसका बहुत व्यापक परिणाम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में आने वाला है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर आने वाला है, यहाँ के विकास पर आने वाला है। इस समय यूपी बीमारू राज्यों में शामिल था, आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीस्ट आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं। जब इलाज अच्छे से होता है और देश और प्रदेश यानी डबल इंजन की सरकार जब उपलब्ध है तो अब बीमारू सब उत्तर प्रदेश से विदा हो गया। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात है उस पर तीव्र गति से आगे बढ़ो। आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। और यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने साफ किया कि आने वाले दिनों में उद्योगपतियों को सारी सुविधाएं मिलेंगी और तेजी से यूपी की तस्वीर बदल रही है। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज लखनऊ में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार की तारीफ की, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हमारे साथ हैं। आज तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, यूपी अब विकास के रास्ते पर और तेजी से दौड़ेगा। देखिए, बहुत तेजी से दौड़ेगा। अभी आपने देखा आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 80,224 करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात कही है, पूरे देश का लगभग 37.7% हमारे पास एक्सप्रेसवे है, रोड। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंचे, जहां वो सबसे पहले अपने पैतृक गांव परूख पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद रही। अपने दौरे की शुरुआत राष्ट्रपति ने अपनी कुल देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पथरी देवी मंदिर भी गए और वहां पर भी पूजा अर्चना की। करीब 2:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परौख पहुंच गए। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी भी परौख गांव पहुंचे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना पैतृक घर दान दे दिया है। वहीं एक सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी ने शिरकत की, जिनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। अपने गांव में पीएम की मौजूदगी को लेकर राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के लोगों को सदैव इस बात की टीस रहती थी कि इस राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए लेकिन राष्ट्रपति एक बार भी नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ के एक निवासी को पहली बार
देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी आपको जाता है। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परोख पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया और परिवारवाद पर एक बार फिर से हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश भर के परिवारवादी लोग मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। मैं जब परिवारवाद के खिलाफ बात करता हूं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक बयान है। मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बात कर रहा हूं, वैसा प्रचार होता है। मैं देख रहा हूं कि जो लोग परिवारवाद की मेरी व्याख्या में सही बैठते हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं। देश के कोने कोने में ये परिवारवादी मेरे खिलाफ अब एकजुट हो रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज है कि क्यों देश का युवा परिवारवाद के खिलाफ मोदी की बातों को इतना गंभीरता से ले रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।